क्या वाकई में बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक लग गया है? सवाल अपने आप में बड़ा है। बुलडोजर पर आए लेकिन उससे पहले कन्नौज पर आना जरूरी है। कन्नौज के नाबालिग रेप कांड में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव, याद होगा आपको, नवाब मॉडल, जनाब का डीएनए मैच हो गया है। नाबालिग पीड़िता के पास से मिले सैंपल से डीएनए मैच, जिसकी मांग लगातार समाजवादी पार्टी कर रही थी। अब नवाब का डीएनए मैच हुआ है पीड़िता के साथ। कन्नौज पुलिस बता रही है कि डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद अब पॉस्को एक्ट के तहत चार्जशीट की जाएगी। घटना 11 अगस्त की थी, याद होगा आपको, जब नवाब सिंह पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा था। इस केस में पुलिस ने पीड़िता की बुआ, उसे भी गिरफ्तार किया था, जो नाबालिग को लेकर नवाब सिंह के पास गई थी। और इसी मामले में 22 अगस्त को कन्नौज में बुलडोजर का एक्शन भी हुआ था, जिसमें आरोपी नवाब के भाई नीलू यादव के रिश्तेदार का घर कोल्ड स्टोरेज, पहले घर का जिक्र था लेकिन कोल्ड स्टोरेज है, जिसे ढाया गया था। ऐसे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी अब राजनीति तेज हो चुकी है। आरोपियों पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन इसी एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में अर्जी देकर शिकायत की अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, यह आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और अदालत ने सरकार से जवाब मांग लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी नहीं दोषी का भी घर नहीं गिराया जा सकता। सरकार ने अदालत में कहा कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ नगर निगम कानूनों के तहत नोटिस देकर ही घर को गिराया जा सकता है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अयोध्या नाबालिग रेप में डीएनए जांच की मांग कर रही समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज में नाबालिग से रेप केस की डीएनए रिपोर्ट अब भारी पड़ेगी, और क्या बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन सिर्फ राजनीतिक विरोधी और जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीधी बुलडोजर कार्रवाई, उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी पक्षकारों से सुझाव भी मांगे हैं और सुझाव के बाद सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को जवाब देने का भी निर्देश है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर 17 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। बुलडोजर की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई सख्त नाराज है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर जो सवाल उठाए उसमें कहा है, हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है। शिकायतों को देखते हुए हमें लगता है कि उल्लंघन हुआ है, दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता। किसी भी आरोप में सीधा बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती, बुलडोजर के संबंध में गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है। कोर्ट कह रहा है पहले गाइडलाइन बनाने की, और बुलडोजर कार्रवाई मामले में जुड़े सभी पक्षकार अब सुझाव मांगा गया और सुझावों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन जारी करेंगे। यानी मामला अब बुलडोजर वाला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, कुछ बयान नए भी और पुराने भी, और फिर उसके बाद सीधा मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। सुनिए जरा, कोई जस्टिस सही नहीं है, और मैं तो बार बार कहता हूँ बुलडोजर बहुत बेवफा है,
छतरपुर में भी चलता है, अयोध्या में भी चलता है, काशी में भी चलता है, तो सावधान हो जाओ इस देश के लोगों। एक दूसरे पे बुलडोजर चलने पे जो लोग खुशी मनाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये बुलडोजर बहुत बेवफा है, कब तुम्हारी घर की तरफ मुड़ जाएगा। घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे जिसे FSL भेजा गया था। FSL से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है, इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रणी कार्रवाई की। अखिलेश यादव जी कृपया बताने का कष्ट करें, जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि DNA टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का DNA मैच कर गया है, उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। आपको बता दें आज इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ धनोज राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नवीन शर्मा जी हमारे साथ हैं बीजेपी के चेहरे हैं और उपाध्याय जी कांग्रेस के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रविंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंद्र जी ये नवाब मॉडल, आपकी मुराद पूरी हुई, DNA मैच हो गया पीड़िता के साथ जी? हाँ, इसको बधाई देते हैं कि DNA मैच किया और बीजेपी का वंडा फोड़ हुआ। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने अपने नरेशन में नवाब को पूर्व समाजवादी पार्टी का नेता बताया है, नहीं तो जितने भी एंकर हैं समाजवादी पार्टी का नेता बता रहे हैं जो घोर आपत्तिजनक था। इसके लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद। आपका नेता नहीं है वो? नहीं, हमारा बहुत पहले निकाला गया है, आपने भी पूर्व कहा, इसलिए आपको धन्यवाद। अच्छा, लेकिन कन्नौज पुलिस कह रही है कि वो जो कार्यक्रम कर रहा था बंद कमरे में वो सच था। जो SP आके कह रहा है, बयान दे रहा है, वही SP उसको पुरस्कार दे रहा था सभ्य नागरिक का। ऐसे पुलिस अधिकारियों पे भरोसा करने लायक नहीं है। अच्छा, जो 22 अगस्त को कन्नौज में बुलडोजर का एक्शन हुआ वो भी गलत था? बुलडोजर का एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत था तो गलत है। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो आपने कहा कि नवाब मॉडल ये बीजेपी का था। उस पीड़िता बच्ची के माता पिता ने कहा है कि उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की नेता थी और उस सही बुआ और उस महिला का फोटो सुब्रत पाठक के साथ में, सांसद दिल्ली के साथ। लेकिन ये अयोध्या वाला जो मामला है, DNA जांच की जो मांग कर रहे हैं आप, उस महिला का फोटो असीम अरुण के साथ में, उस महिला का समाजवादी पार्टी के लिए जो कन्नौज में नाबालिग से रेप केस में DNA रिपोर्ट अब क्या भारी पड़ेगी उस मामले पे? क्योंकि वो तो चलिए नवाब नहीं तो मोइन मॉडल तो है ही आपका। तो उस पूरे कन्नौज केस में बीजेपी एक्सपोज हो गई है। उस महिला ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लीडरों ने यह षड्यंत्र रचा है, ये स्पष्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो जो दूसरा कार्यक्रम कर रहा था, ये नवाब तो कह रहे हो आप लोगों का हमारा कोई लेना देना नहीं, वो जो दूसरे वाला है जो, वो तो आप ही का नेता है ना? तो बीजेपी का षड्यंत्र एकदम साफ हो गया कि उस महिला को मोहरा बना के ये लोग कहलवाना चाहते थे, ये षड्यंत्र वहां साफ हो गया। आप आ जाते हैं अयोध्या जी के कांड पर भी। नहीं नहीं, आप वो तो आपका नेता है ना जो दूसरे वाला जो कार्यक्रम कर रहा था, कहां के अयोध्या वाला? हाँ बताते रहे हैं, अयोध्या का वो हमारा महानगर अध्यक्ष था। था नहीं है अभी भी? नहीं था। अच्छा था है? था, महानगर अध्यक्ष था। उसको कब हटाया? DNA का आप नोटिस भेज दूंगा आपको। DNA मैच नहीं, कराना, मोइन खान को हटा दिया आपने जी, पद से हटा दिया गया है। नहीं नहीं, पद से कब हटाया सर? मैं आपको पत्र भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा। नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं, मैं तभी आपसे चाह रहा हूँ जानकारी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो मेरे बात का विश्वास रखिए, उसको पद से हटाया जाए। सर मैं आपकी बात का तो विश्वास रखूं, लेकिन तो अखिलेश यादव का चाहिए ना उस पे। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आरोप लगा तब हमारा पदाधिकारी था। अब आते हैं अयोध्या जी वाले कांड पे। हमने DNA की जांच की मांग की है। DNA जांच का मांग फोरेंसिक साइंस के हिसाब से सबसे तथ्यात्मक बात होता है। इससे अपराधी, चाहे अपराध किसी प्रकार का हो, बलात्कार का ही, चोरी का भी हो, तब भी DNA के जांच के द्वारा चाहे बाल ही मिले तो पता लग जाता है। आपके राज में भी जब ऐसे आरोप लगते थे तो अब आप DNA टेस्ट करवाते थे सबका? DNA चेक कराने की प्रक्रिया समझ लीजिए, DNA चेक कराने की प्रक्रिया है,
हम खाली मांग कर सकते हैं डीएनए नहीं, 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 प्रक्रिया नहीं, मेरे को प्रक्रिया से मतलब नहीं। मैंने कहा जब आपकी सरकार थी तब आप डीएनए टेस्ट करवाते थे ना, ऐसे आरोप लगते थे जब आरोपी ऊपर। प्रक्रिया नहीं जानेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। प्रक्रिया ये है कि प्रक्रिया जो आरोपी है, आरोपी का है डीएनए ज्यादातर चेक किया जाता है, कभी कभी वादी का भी चेक किया जाता है, लेकिन दोनों ही केस में उनकी संतुष्टि जरूरी होती है। संतुष्टि देने के बाद न्यायालय में अप्लाई करते हैं, जब न्यायालय परमिशन दे देता है तब डीएनए चेक होता है। तो हमारे 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 वहां अगर इस प्रकार के कोई अपराध हुए रहे होते तो हम जरूर डीएनए चेक कराते। अच्छा अच्छा, तब डीएनए टेस्ट करवाते, अब मांग अलग है। खैर कोई बात नहीं। नवीन शर्मा जी, सुना आपने रविंद्र जी जो कह रहे हैं? कह रहे हैं कुल मिलाकर खबर ये नहीं है कि डीएनए मैच हो गया, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर वाला जो आपका एक्शन था वो अब उस पर रोक लगेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर पर ब्रेक लगा दी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ना ही मेरी कोई पार्टी करना चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट हमारे न्यायालय और विश्वास है भारत का, हम उसका सम्मान करते हैं। दूसरी चीज रही बुलडोजर की कार्रवाई, आप हमारे यूपी सरकार के योगी मॉडल को देखिए, जितने भी अपराधी थे माफिया थे इन सब की, इन सब लोगों ने अवैध संपत्ति पे कब्जा किया और ये इनकी सरकार के तहत, इनके पहले की सरकार के तहत हुआ। तो हमारी सरकार ने अपराधियों के हाथ से जो गलत जमीन जिस पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, सरकारी जमीनों ये जो कह रहे कर विशेष रखा धर्म और जात देखकर आपका बुलडोजर चलता है। देखिए, माफिया की कोई जात नहीं होती, माफिया की कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म और जात नहीं होता, वो गलत होता है तो गलत होता है, रही बात रंग होता है गलत। और दूसरी चीज नहीं, सिर्फ रंग होता है क्या, लाल टोपी? देखिए, हम ये लाल टोपी पीली टोपी और काली टोपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर आप ही तो करते हो लाल टोपी की बात। देखिए, लाल टोपी अब कह सकते हैं कि क्रांतिकारी भी हमारे पहनते थे, और रही बात लाल टोपी हमारे समाजवादी पार्टी का भाई एक चिन्ह भी है, तो अच्छी बात है, मेरी बधाई है उनको, अब वो लाल टोपी पहने हरी टोपी पहने, मगर हमारी जो सरकार है वो टोपी नहीं, वो धर्म जात से भी ऊपर उठ के जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, इसको लिखकर ही रख लें। दूसरी बात, इनके यहाँ माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डीएनए की मांग की थी। पहली बार ऐसा कभी हुआ कि कोई बलात्कारी अपराधी की डीएनए की मांग पूर्व मुख्यमंत्री करता है उत्तर प्रदेश सरकार से, वो प्रक्रिया भी रविंद्र जी ने कुछ बढ़ाई वो। और उसके बाद इनके जो संबोधन है वो उस बलात्कारी के पक्ष में किस तरीके से खड़े हो जाते हैं कि पहले डीएनए करिए। अरे भाई, किसी की इज्जत गई है, आबरू गई है, ये देश इज्जत आबरू से भी जाना जाता है। इनके अयोध्या का जो कांड हुआ, जो इनके मोइन महानगर जी अध्यक्ष अभी है कि नहीं तो जानकारी नहीं है, बहरहाल अच्छा, आबरू से मुझे कुछ याद आया, ये क्योंकि आरोप लगाते हैं कि वो आबरू, क्योंकि आपने जिक्र किया है इज्जत आबरू का, तो वो ब्रिजभूषण के यहाँ बुलडोजर नहीं गया आपका? देखिए, सबसे पहली चीज वो अभी मामला न्यायालय में है। अच्छा, तो ये मामले न्यायालय में नहीं थे? देखिए, इनके यहाँ तो डीएनए साबित हो गया, अब न्यायालय में कहाँ जाएगा? जब नहीं, डीएनए साबित पहले हो तो गया, एक्शन जो आरोपी है उन पे तो एक्शन होता ही है ना। देखिए, सबसे पहली चीज आरोप जिस पे भी साबित होता है तो उसके लिए कोर्ट बताता है कि भाई ये आरोप साबित हुआ। सर, आरोप के आधार पर तो आपने बुलडोजर चलाया, डीएनए की मांग अभी हमारे भूषण के यहाँ बुलडोजर नहीं चला तो उनके यहाँ। देखिए, सबसे पहली चीज अभी आप भली बात समझ लीजिए, अभी जब कोर्ट में सारी चीजें चल रही है, न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, न्यायपालिका भी भरोसा रखना चाहिए ना। हाँ, तो फिर बिना दोषी सिद्ध हुए आपने आरोपी के घर बुलडोजर क्यों चलाए? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आज की डेट में जो जमीन अवैध संपत्ति पे ऐसे अपराधियों ने कब्जा करके अपनी संपत्ति को अर्जित किया है, सरकार ने म्युनिसिपल कमीशन और नगर पालिका के चिन्हित होने के बाद नोटिस देकर उसके बाद वो जमीन खाली कराई है। तो जब वो अपराध करते तब मालूम चलता है कि उनकी जमीन अवैध है? देखिए, जमीने अपराध जब करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता इस अपराध की सजा कहां तक जाएगी। हाँ। मगर अपराध तो कर गए, अपराधी को अगर ये ठीक से पता हो जाए कि हम अपराध कर रहे हैं इसके बाद क्या है, मगर जो न्याय करता है उसे योगी सरकार कहते हैं और योगी सरकार ने वाकई अपराधी। रविंद्र जी, जवाब देना चाहिए रविंद्र जी, उपाध्याय आपके पास, बोलिए रविंद्र जी, बातें उन्होंने घुमा दी कुछ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि डीएनए मैच हो गया इसलिए बुलडोजर चलना चाहिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है कि आरोपी अगर अपराधी सिद्ध हो जाता है तभी बुलडोजर नहीं चल सकता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है। और ये फैसले पहले से भी सीपीसी एक कानून है भारत में, सिविल प्रोसीजर
कोड उसमें से पहले से एग्जिस्ट करता है और संविधान की धारा 21 में ये पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर इसको नहीं योगी आदित्यनाथ मानते हैं तो जो पहले ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, वही फिर रिपीटिशन हो रहा है। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि हमारे वहां हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन अपने मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो अगर ऐसा नहीं है, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही कि अपराधी माफिया आतंकवादी को आदि की जाति नहीं होती है, धर्म नहीं होता, इसका स्वागत करते हैं। और इस प्रकार की बातें अगर ये कहेंगे इस प्रकार के अपराधों को पार्टियों से जोड़ के भारतीय जनता पार्टी बलात्कार पर राजनीति करेगी तो अंततः नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। राजनीति ये कैसे कर रहे हैं? राजनीति तो आप कर रहे हैं ना, डीएनए की मांग तो आपने की पहले। जल्दी से नवीन जी, जल्दी से जवाब दीजिए। डीएनए की मांग करना है, लीगल प्रोसीजर है। बलात्कारी पे राजनीति नहीं करते हम लोग, बलात्कारियों का डीएनए नहीं मांग रहे हैं आपसे। हमने कहा जब आपकी डीएनए की मांग करना लीगल प्रोसीजर है, राजनीति नहीं है। के बीच में कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी डीएनए की मांग की, बलात्कारी की नहीं। अगर डीएनए की मांग किए होते जांच की आप, तो आप संविधान सम्मत कार्य कर रहे होते। आपने नहीं मांग किया इसलिए संविधान सम्मत कार्य नहीं है। संविधान का स्वागत करते हैं, संविधान हमारे भारत का मूल मंत्र है, हम संविधान के साथ हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री संविधान की पूजा करते हैं, हम देशवासी पूजा करते हैं, संविधान सभी के लिए। मगर रही बात जब डीएनए की, अरे सोचिए आरपी जी कि अगर किसी बच्ची का बलात्कार हो, नाबालिग हो या किसी महिला का बलात्कार हो, तो उसके बाद अगर कोई पार्टी सहानुभूति के साथ खड़ी ना हो सके तो डीएनए जांच की मांग करती है, वो भी अपराधी के साथ। नवीन जी आपको शोभा देता है? नवीन जी क्या आपको शोभा देती है एक नंगा साधु एक बच्चे से देश का मालिश करा रहा हो, यौन अपराधी हो, उसको मुख्यमंत्री बता रहे हो, क्या शोभा देता है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हो कि ये भगोड़ा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार उसका मुकदमा वापस ले रही हो, क्या ये शोभा देता है? उससे पहले वह अपराधी चिन्मयानंद अपनी क्या नाम है, एक साध्वी थी उसके साथ रहती थी, उसके बलात्कार का आरोपी था, क्या यह शोभा देता है? कानून ने अपना काम किया आरपी सिंह जी, कानून ने अपना काम किया है। सच कह रहे हैं आपने, कानून ने काम किया है। जो जिस लड़की ने आरोप लगाया उसके ऊपर 10-12 मुकदमे ला दिए गए, सच कह रहे हैं आपने, कानून काम किया है। ये आपकी सरकार ने किया है। जांच में सही होगा वो तथ्यों को सामने लाया जाएगा। जांच में जो लोग आपकी तरफ फर्जी केस नहीं लगाते हैं, जो जांच तथ्य आएंगे उसकी तरह बात होगी। नहीं नहीं एक मिनट, हम याद आया आरोपी को बचाने वाली बात से, वो गायत्री प्रजापति का क्या हाल है रविंद्र जी? गायत्री प्रजापति सजा भुगत रहा है, गायत्री प्रजापति पे सजा भुगतने के बाद। अच्छा उसे कोई नहीं बचा रहा था, ठीक है ओके। उपाध्याय जी हाँ उसे कोई नहीं बचा रहा था, ठीक। पूरी सरकार लग गई थी उसको बचाने में, एक मिनट, समाजवादी पूरी सरकार। एक मिनट शर्मा जी एक मिनट के केस में हुआ ये, चिन्मयानंद के केस में हुआ, एक मिनट एक मिनट किसके क्या केस है सर? अभी डायरी खोलूंगा, केस डायरी खोलूंगा, रुक जाइए। अरे चावला जी एक मिनट। उपाध्याय जी बुलडोजर रोकने की मांग क्या पूरी हुई डिमांड? देखिए चावला जी, हम लोग तो बहुत पहले से ही कह रहे हैं ये सरकार संविधान के तहत खिलवाड़ कर रही है, संविधान का खिलवाड़ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि जहां तक हमको कानून का अगर उल्लंघन नहीं होता वहां हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसका मतलब ये बुलडोजर की कार्रवाई संविधान सम्मत नहीं थी। पक्का? आप बताइए जी, कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई संविधान सम्मत नहीं है? नहीं आप बताइए, अगर जो म्युनिसिपल बोर्ड की बात करते हैं कारपोरेशन की, अगर अनलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इनके अधिकारियों पर कभी कोई कार्रवाई हुई 7 साल में, जिनके समय में जो है अवैध मकान बने, अवैध बिल्डिंगें बने? आप बताइए 140 करोड़ की आबादी में इन्होंने कोई श्वेत पत्र जारी किया हर महानगर में, हर नगर में, कि कितने जो है अनलीगल बिल्डिंग नगर पालिका के तहत बनाए गए हैं? बताइए, ऐसे तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। इसके लिए भी नियम है, आप नोटिस दीजिए, उसको समय दीजिए, उसको न्यायालय जाने में का मौका दीजिए। ये तो जब आरोपी हो जाता है उसके बाद क्या कहते हैं कि अनलीगल बिल्डिंग है? आप बताइए, राजस्थान के उदयपुर में जो एक मकान मालिक का मकान गिराया गया, जब तो किराएदार रहता था लड़का, उसके पिता किराए पर रहते थे और उसके बगल के साथ मकानों को छुआ भी नहीं गया। यानी ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है पूरी तरह से इलीगल है, नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं पूरी तरह से मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए नगर पालिका और म्युनिसिपल
कारपोरेशन ये काम नगर निगम और नगर पालिका का है ना, आप ये कह रहे हैं? जी जी वो भी हाँ वो भी। एक सेकंड जी, अब आप सरेआम पूरी आवाम के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे? इसलिए अशोक गहलोत ने बुलडोजर चलवाया था जी, आरोपी का नाम था सुरेश ढाका, तारीख थी 8 जनवरी 2023, आपकी सरकार थी जी, तो वो अशोक गहलोत गलत बोल रहे थे, गलत कार्रवाई थी? पहले तो इन्होंने जितने मकान गिरवाए हैं छतरपुर से लेके कहां तक, नहीं नहीं जितने गिरवाए उसका हिसाब आप दीजिएगा, लेकिन पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दे दीजिए। अशोक गहलोत ने गलत एक्शन किया था ना? देखिए आपने कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट ने देर से फैसला दिया, वो भी कोर्ट ने क्या फैसला दिया मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जब आप बुलडोजर चलाते हैं वो जायज कैसे होता है? अरे भाई हम इनकी तरह आप बोल रहे हैं थोड़ी कर रहे हैं, आपने बुलडोजर चलाया, कार्रवाई हुई, आरोपी का नाम सुरेश ढाका, आपने बुलडोजर चलाया कि नहीं चलाया? बैग जेब से नोटिस दिया और दूसरे दिन लेकर बुलडोजर पहुंच गए, नकल माफिया के खिलाफ बुलडोजर चला था तब वो जायज था क्योंकि अशोक गहलोत ने चलवाया था। ये जो नवीन जी कह रहे थे अभी वाराणसी में एक महिला के साथ जो यौन शोषण का आरोप, जल्दी से ढूंढो जा रहा हूं फिर आपके पास, दो आरोपी छूट कर आए उन पर मार्यादन किया गया, एक बात कहना बताइए ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कैसे नहीं कैसे जो जितने भी यौन शोषण करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनका इसी तरह से मन बनेगा, जो सरकार संरक्षण देगी, सरकार माल्यार्पण करेगी, जो भाजपा सरकार में हो रही है, चाहे 21 बानों का मामला हो, चाहे कल वाराणसी का मामला हो, देखिए जमाए पर आने पर किस तरह से उसका माल्यार्पण किया गया, 10 करोड़ आबादी की सरकार है, न्याय हमारी योगी सरकार करेगी और कर रही है, कहीं गलत खुद कर रही है, हम लोग देख ही रहे हैं, कभी ना कोर्ट को फैसला, कोर्ट को जो है फैसला करना पड़ रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट का, हमारी पार्टी, हम सब पूरे देशवासी सम्मान, लेकिन उपाध्याय जी अगली सुनवाई मांगी, उपाध्याय जी ये जो डीएनए मैच हो गया है जी उस पर दो शब्द तो बोल दीजिए। देखिए डीएनए मैच हो गया, वो आरोपी है, उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा मॉडल जो है ये आपको पीड़ा नहीं देता? नहीं, वो आरोपी है, वो दोषी है, तो पीड़ा क्यों देगा? हम लोग कभी इंडिया गठबंधन के दोषियों को बचाने की काम नहीं करते हैं। जब आप अयोध्या की बात करते हैं उसकी डीएनए जांच हुई क्या? अखिलेश यादव जी ने जो मांगा था, बाद में जो घटना हुई उसकी डीएनए आ गई, वहाँ जबकि साजिश हो सकता है वहाँ पर डीएनए सही हुआ, ये डीएनए मैच हो गया उस पर नाराज हो जाते हैं उपाध्याय जी, और रविंद्र जी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा कहा कि उसको पूर्व नेता बोला, वो हमारा नेता नहीं है, ये कौन सी सियासत है? और बुलडोजर पर लगा सुप्रीम ब्रेक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाराणसी में आरोपी छूटे हैं जमानत पर, वो भाजपा के नेता है कि उपाध्याय जी? उपाध्याय जी एक मिनट, आपके पास कागज कलम है? एक मिनट धनोज जी, एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड, कागज कलम है आपके पास? जी जी जी, लेकर रखिएगा, अभी पूरी लिस्ट दूंगा मैं आपको, आगे कहीं चर्चा में बैठेंगे तो काम आएगा आपके, क्योंकि मैं गूगल शरण में जाता नहीं, अभी रुक जाइए आप, रुक जाइए उपाध्याय, एक सेकंड धनोज जी अपनी बात पूरी करिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और मैं इंडिया वॉइस को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा मुद्दा आप लेकर आए हैं। तो दो लाइन से शुरुआत करता हूं, चारों तरफ छाई घटा गनगोर है, चारों तरफ छाई घटा गनगोर है, अब तो दहशत गर्दों के लिए भी सुप्रीम शोर है, अब तो दहशत गर्दों के लिए भी सुप्रीम शोर है। देखिए बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लग सकता, उसके रीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों में जो कहा उससे परे मैं दूसरी बात बोल रहा, जो कानून है न्याय संगत है, अगर कोई अपराधी जो एफआईआर में उसका नाम दर्ज है और वो फरार है तो पुलिस उसको उसके घर पर कुर्क कर सकती है कोर्ट के आदेश से, मैं कोर्ट के आदेश की बात कर रहा हूं कि जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है जिला का उनके साइन से एफआईआर की कॉपी जाती है सीजीएम के पास और सीजीएम को आदेश देना ही होता है, ये कानून कहता, हमारा संविधान कहता है कि वो उसको टरका नहीं सकता, वो जज हैं लेकिन उनको आदेश देना होगा कि मैं इनको एक महीने से ढूंढ रहा हूं, इनको मैंने वर्म किया, इनको मैंने पकड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये फरार है जिसको कुर्की जब्ती कहा जाता है, जिसमें बिल्डिंग जमीन जब्त कर दिया जाता है, और यही बात
सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय जज ने भी कहा है अपने फैसला में कि हम ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दे सकते, उन्होंने भी कहा। सवाल यहां है, आपने डिबेट किया, मुझे इसका पार्टिसिपेट बनाया, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। ये बात आनी चाहिए कि बलात्कारियों का, दहशतगर्दियों का इनका कोर्ट नहीं होता। अगर इनका कोर्ट होने लगेगा तो ये तो भारत महान देश है, इसकी महानता पर प्रश्न आ जाएगा। उपाध्याय जी, पीड़ा जायज है कि भाई आरोप आरोप के आधार पर आप बुलडोजर चला देते हैं? जो पीड़ा है उनकी, उपाध्याय जी की भी और रविंद्र जी की भी। ये कोर्ट ने यही तो समझना उपाध्याय जी को कि आरोप पे नहीं चलाया जा रहा है। मैं न्यायालय को बता रहा हूं, पीड़ा होता तो चोर डाकू लूटे बलात्कारी को टिकट ही नहीं देते, और खूनी को आप सांसद ही नहीं बनाते, खूनी को आप मंत्री नहीं बनाते। आपके सुनिए ना, अरे एडीआर रिपोर्ट देख लीजिए ना, एडीआर रिपोर्ट आप देखिए। पार्टी आज मैं पार्टी किसी पार्टी को डिफेंड करने का तो सोच भी नहीं सकता मैं, कि राजनीतिक पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के इन बातों से समझना चाहिए कि जो राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, एबीसीडी, वो बलात्कारियों के लिए, दहशतगर्दियों के लिए अगर वो मैदान में आता है, उनको संरक्षण देता है, तो मैं तो कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से अर्ज भी करता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्याज डाल दूंगा तो उनके भी घर को तहस नहस कर दिया जाए। कैसे लोग जो समाज के अंदर रहने वाले विषैले सांप को संरक्षण देता है, जो बहु बेटियों की इज्जत लूट लेता है, बहु बेटियों की शोषण करता है, और उसका एफआईआर में नाम होने के बाद जब पुलिस उसको ढूंढती है तो वो फरार हो जाता है, और पुलिस के कार्रवाई पर जो लोग मुंह उठा के अदालत चले जाते हैं, ऐसे लोग से मैं तो कहता हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूं कि अगर उनके जज साहब अगर सुनते होंगे, देखते होंगे इंडिया वाइज, तो जरूर इसमें संज्ञान ले कि आप दहशतगर्दों को संरक्षण देने की जो बात की है कि संरक्षण नहीं देना है, उस पर कायम रहते हुए ऐसे लोगों, क्यों? क्योंकि देखिए आपको देखना होगा, सुनना होगा, ठीक है, जल्दी से। नहीं अरे बात मेरी अधूरी रह जाएगी। सॉलिसिटर जनरल से कह रहे हैं, जो कल के दो पिछले जो वाराणसी में स्वागत किया गया भारतीय जनता पार्टी का, वो 8 महीना हो गया, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? अगर थोड़ा सा इससे हट कर हम बात कर रहे हैं, जो सेबी के चेयरमैन है जो है बुच जी, वो 3-3 जगह से तनख्वाह ले रही थी, करोड़ों रुपया का घोटाला उन्होंने किया, देवी से भी, आईसीआईसी बैंक से भी, आईसीआईसी प्रोडेंशियल से भी, और उनकी नियुक्ति अमित शाह जी के अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते जी, क्या उनके घर छोड़ चलेगा? मेरा सवाल जो है, मैं तो इतना जो है संवैधानिक काम उन्होंने किया है, और उनको देवी का उपाध्याय ठीक है, वो माधवी भुच वाला मामला लेकर आएंगे, जो बात आप कह रहे हैं उसको उठाएंगे। एक मिनट, आपका सवाल वैलिड है, उसका नवीन जी उत्तर देंगे, लेकिन एक मिनट नवीन जी जी, और मेरी दरख्वास्त से पहले सब लोग सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। उपाध्याय जी, कागज कलम ले लिया? ले लिया ना जी, बताइए। हाँ, काम आएगा, आप नोट करते ही। नवीन जी, 2018 सब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह याद है ना आपको? आरोपी हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए थे, बुलडोजर नहीं पहुंचा, विपक्ष का आरोप है। 2017 उन्नाव कांड, कुलदीप सेंगर आपके नेता, बुलडोजर नहीं चला। सितंबर 2023 व्यापारी की पिटाई का केस, आरोपी कानपुर का बीजेपी पार्षद, नहीं चला बुलडोजर। नवंबर 2023 बीएचयू छेड़खानी, 3 आरोपी बीजेपी से जुड़े, नहीं चला बुलडोजर। इसके बाद आराम से, एक मिनट अभी नवीन जी आ रहा हूं, सुन लीजिए, लंबी है लिस्ट थोड़ी। जुलाई 2024 ऋतिक पांडे आरोपी बीजेपी विधायक के करीबी, और हां ये फरुखाबाद वाले मामले में क्या हुआ नवीन जी? जी, यहां बुलडोजर क्यों नहीं चले? और अभी इसमें ब्रिजभूषण वाला तो आपने बताया कि वो तो एक्सेप्शनल केस है। मैं आपकी बात को
मैं आपकी बात को सम्मान करता हूँ, आपने पूरी लिस्ट निकाली है चावल। उपाध्याय जी एक मिनट, आपने कहा ना कि वहाँ पे बुलडोजर का पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है, क्या तेल खत्म हो जाता है? वो बता रहे नवीन जी क्यों नहीं जाता। आपने जिन नेताओं का नाम लिया है संबंधित आपने चर्चा की, आज वो सभी कानून के घेरे में होंगे और सजा होगी उनके खिलाफ। नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा कि वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं गया, मैं उस लाइन पे दिखा रहा हूँ। आप जो हमारी योगी सरकार ने जहाँ जहाँ भी बुलडोजर चलाए हैं, जिन जिन अपराधियों के खिलाफ चलाए हैं, म्युनिसिपल पार्ट नगर निगम की नोटिस के तहत दिए, वो इलीगल जमीन पे जलाए, वो गलत। सर, मैंने जिनके नाम लिए उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चला। और जिन नेताओं का आपने जिक्र किया है उनकी कोई बकायदा जांच की गई, जांच के तथ्य में जो चीज सही पाई गई। आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ पर जिसने यानी आरोपी अगर किसी और धर्म का होगा तो बिना जांच के बुलडोजर चल जाएगा। अगर आप आपके किसी करीबी पर आरोप लगेगा तो पहले जांच होगी और फिर बुलडोजर चलेगा, राइट? चावला जी, जांच होने अगर माफिया अवैध जमीन पर कब्जा करके रखा है नगर निगम के तहत, उसकी जांच हो रही है और माफिया भी है, अपराधी भी है, बलात्कारी भी है। उदाहरण के तौर पर नवीन जी आराम से एक सेकंड, उत्तराखंड में आप पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, वहां भी बुलडोजर खूब गरजा, ठीक। उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों में यौन शोषण के दो बड़े मामले सामने आए और दोनों में ही भाजपा के नेता आरोपी। अल्मोड़ा के सल्ट में मंडल अध्यक्ष हैं आपके भागवत बोरा, मुकदमा दर्ज करने के लिए एड़िया घिसाली पीड़िता ने। हल्द्वानी के लालकुआ में दूध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा, दोनों पर आरोप है बुलडोजर नहीं चला। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा चावला जी कि जांच जब हो जाएगी और जब उनके पास कोई अवैध संपत्ति मिलेगी तो उस पर जरूर बुलडोजर चलेगा। अच्छा, मगर जब अवैध संपत्ति नहीं है उनके पास कोई, तो कैसे चलेगा? और जिनके यहाँ बुलडोजर चला है, हाँ? वो कहीं ना कहीं अवैध संपत्तियों का ढेर बना के रखे थे। अच्छा, उनकी कोई एक नंबर जमीन पे नहीं चला। कह रहे हैं कि आपने आरोप के आधार पर ही बुलडोजर चला दिया, लेकिन आपके यहाँ पहले जांच होगी फिर उसके बाद बुलडोजर चलेगा। लेकिन जांच तो अवैध संपत्ति पता चल जाएगा तो उसकी आपके यहाँ किसी की अवैध संपत्ति नहीं है भाई। हमारे वही बात है चावला जी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो अवैध संपत्ति जिस प्रकार के, अब जिस आपने जो बात की मंडल अध्यक्ष की और ये भाजपा के जो भी रहे, क्या तो पूरी लिस्ट दिखा दी ना, वो माफिया थे या उन्होंने क्या जमीन अपने नाम पे कब्जा की? अच्छा, जब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे वो, जिनके आरोप लगे उन पे, देखिए वो कानून के तहत है। तो वो कौन सा मॉडल था? आपने इनका तो बता दिया नवाब मॉडल, तो आपका कौन सा मॉडल है? सजा सबको बराबर मिलेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। रविंद्र जी जवाब दीजिए और फिर उसके बाद जो है उपाध्याय जी आपके पास है। बलात्कारी वो देश का दुश्मन होता है, बलात्कारी देश का दुश्मन है। एक मिनट सर, मैंने आपके सामने लिस्ट पढ़ दी पूरी, और मैं डीए और मैं लिस्ट पढ़ दी ना आपके सामने। एक मिनट रविंद्र जी, पहले आप, फिर उपाध्याय जी और धनोज जी आपके पास। जांच की मांग नहीं करेंगे, जांच की डीएनए की जांच की मांग नहीं करेंगे। लिस्ट बहुत छोटा था, ये लिस्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं एक विषय इस पे कह रहा हूँ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है। इनके मंत्रिमंडल में दो लोग सजायाफ्ता हैं जिनको एक एक साल की सजा मिली हुई है, एक राकेश पठान है, एक प्रयागराज का नंदी है। ये दो लोग सजायाफ्ता हैं। एक 5 साल का सजायाफ्ता है जिसके सजा पे 5 स्टे दिया हुआ है हाई कोर्ट ने, अतुल सिंह जो योगी जी का एकदम नजदीक का विधायक है। ये 3 आरोपियों को, 2 को तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है अभी, और जो अतुल सिंह है उसको बनाया गया था गोरक्षा का उपाध्यक्ष। किस कानून को मानेंगे ये लोग? बुलडोजर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो आरोपी हैं, सजा याफ्ता हैं, और सजा याफ्ता होने के बाद उनको मंत्री बनाया गया हुआ है, तो इनसे क्या अपेक्षा करनी है? कोई अपेक्षा करने की बात नहीं। अब दूसरी बात, एक धनोज जी कह रहे थे कि नहीं बुलडोजर चलते रहना चाहिए। अभी एक मैं इंसिडेंस बता रहा हूँ राव जवनी फोर्ट का, जब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी जा रही थी तो राव अवनी कोर्ट ने कहा कि 100 आरोपी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिले। ये जो धनोजी कह रहे थे उसके ठीक विपरीत है, ये कोर्ट की टिप्पणी है।
आरोपी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इस आधार का हमारा न्यायिक प्रक्रिया है। बुलडोजर को लेकर कोर्ट किया था, मैं बुलडोजर को लेकर कोर्ट किया, उन्होंने कि बुलडोजर चलना चाहिए, तो अगर बुलडोजर चल रहा है तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि एक एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए, और उच्चतम न्यायालय ने कह दिया। ठीक धनोज जी, जल्दी से फिर उपाय, एक ही सर, एक ही और छूट रहा उसमें, और जो जो कहा गया खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अधिकार है। सुनिए सुनिए, आरपी सिंह साहब को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, कोई भी कोर्ट नहीं कहता ये बात, कोर्ट कहता जिसके खिलाफ सबूत है वो अपराधी है, कोर्ट का ये वर्तन है, कोर्ट यह नहीं कहता है कि अपराधी छूट जाए और निर्दोष जेल चले जाए, कोर्ट यह कहता जिसके खिलाफ सबूत है वो अपराधी है और जिसके खिलाफ सबूत नहीं है वही निर्दोष है। अब इसी का खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। मैंने तो कहा कुर्की जब्ती, अगर आपके नाम एफआईआर हो गया और आप 11 दिन के अंदर सरेंडर नहीं करते हैं तो आपके नाम से कुर्की वारंट निकलेगा ही, और ये मैं नहीं कहता, संविधान कह रहे, क्योंकि संविधान पहले से बना हुआ, एक फरार व्यक्ति जो अपराधी है जिसका एफआईआर में नाम है वो फरार है तो अपराधी है। नहीं धनोज जी ये कह रहे थे भाई फरारी कई अपराधियों के खिलाफ है, लेकिन धर्म को देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। बात वो देखिए, बात वही है, सपा वाले की जब सरकार थी तो सपा वाले ने अपना जात धर्म देखा, मैं तो खुद कहता इस बात को, किसका धर्म देखा रविंद्र जी, वो अपना खुद पूछ लीजिए ना। अभी फिर कह रहा हूँ, मैंने राव जबनी कोर्ट की बात कही, राव जबनी कोर्ट की बात को, राव जबनी कोर्ट की बात को पी गए, राव जबनी कोर्ट की माननीय महिला जस्टिस थी, उन्होंने कहा और इन्होंने अपनी गलत बात को प्रूव करने के लिए राव जबनी की कोर्ट को नकार रहे हैं, यह एक क्रिटिकल मिस्टेक है, और फिर कह रहे हैं नहीं कोर्ट चलना चाहिए, जो कुर्की जब्ती की कार्रवाई पुराने कानून के अनुसार 82-83 में होती थी वो एक साल में नहीं होती थी, वो 5-6 साल तक जब कोर्ट हाजिर ना हो, एनबीडब्ल्यू होने के बाद भी कम से कम तीन साल का समय हो जब हाजिर नहीं होता था तब कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती थी, कुर्की जब्ती की कार्रवाई को बुलडोजर से जोड़ रहे हैं, अगर बुलडोजर से जोड़ रहे हैं तो धनोज जी को कहना चाहिए कि अपने आगे जो डॉक्टर की डिग्री लगाए हुए हैं उसको निकाल लें, बार बार सुप्रीम कोर्ट की अपमान कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दोनों सम्मानित जज ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है संरक्षण नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लोअर कोर्ट ने भी कहा है, और आप बार बार अपमान कर रहे हैं। धनोज जी राजेंद्र जी एक मिनट, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्लियर कहा है, नहीं तो आप पैरोकारी करने चले गए ना धनोज जी, एक मिनट रुकिए ना, आप बार बार दोनों कोर्ट में अपमान कर रहे हैं, लोअर कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, कर रहे बताइए, नहीं गलत कोर्ट कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट उपाध्याय आप अपमानित कर रहे हैं, उपाध्याय जी अगर बुलडोजर का एक्शन ना हो या कानून का इकबाल ना हो तो फिर जो अपराधी होते हैं उनके मन में डर कैसे पैदा होगा? देखिए आप तो ढाल बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, फिर देखिए तिलक जी बुलडोजर कभी भी न्याय का मॉडल नहीं हो सकता है, कानून और दंड की कार्रवाई का अनुमति देता है, जिस तरह से ये राजनीतिक टूल के रूप में बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं, चाहे मोदी सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की चाहे योगी सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की चाहे राजस्थान की सरकार, ये लोग बुलडोजर को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जो गलत है। आप बताइए इनकी रैलियों में मीटिंग में बुलडोजर लेकर जाते हैं तो इसका क्या मतलब? ये उपाध्याय जी मुझे एक बात बताइए, मुझे चलिए मैं आप ही की बात ले जाता हूँ, मैं आप ही की बात ऊपर नवीन जी आप ही के पास आ रहा हूँ, इसके बाद आपने कहा कि भाई इन्होंने बुलडोजर मॉडल रखा जनता के सामने, मैं तो सीधी स्पष्ट बात कह रहा हूं आपको कि भाई ये अपनी चुनावी रैलियों में भी बुलडोजर लेकर गए, ठीक, आप और हम क्या, बुलडोजर को इन्होंने अपना एक चुनाव चिन्ह की तरह इस्तेमाल किया आपके मुताबिक, ठीक, जनता ने कहा कि बुलडोजर मॉडल हमें कबूल है, लगाओ ठप्पा, अब आप क्या कर लोगे? मैं आप ही की बात कह रहा हूं, जनता ने बुलडोजर पर ठप्पा लगाया, इसका मतलब जनता ने कहा यही मॉडल चाहिए हमें, नहीं जनता ने तो उत्तर प्रदेश में तो इनको मुंह की खानी पड़ी, कहा लगाया बुलडोजर। उपाध्याय जी मैं सरकार बनाने की बात कर रहा हूँ,
क्या जनता ने योगी सरकार को दोबारा चुना कि नहीं चुना? इस बात को क्लियर था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मॉडल वही था, बुलडोजर मॉडल। जनता ने कहा हमें कबूल है बुलडोजर मॉडल, धनौली में गलत वोट दिया है, तब जनता को समझ में आ रहा है कि बुलडोजर गलत चल रहा था। सर बुलडोजर गलत चला, सर जनता ने मोहर क्यों लगाई बुलडोजर पर? राजनीतिक टूल के रूप में लगाया। आप ही के मुताबिक बुलडोजर पर जनता ने मोहर फिर क्यों लगाई उपाध्याय जी? ये हम नहीं कहेंगे क्यों राजनीतिक बुलडोजर पर मोहर लगाई जनता ने, फिर किस पर लगाई? कारणों से जो है और कारणों आपके मुताबिक मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए, फिर किस पर लगाई? लेकिन लोकसभा में बुलडोजर मॉडल को इनकार कर दिया जनता ने, तभी तो 240 पर आए, उत्तर प्रदेश में 33 पर आए। वहाँ राज्य सरकार चुनी जा रही थी, वहाँ केंद्र की सरकार चुनी जा रही थी। उपाध्याय जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं तो 22 के बाद इनका आतंक बुलडोजर दौर चलाने, इसलिए जनता इनकार कर दी। ठीक, नवीन जी जल्दी से आप, जल्दी से आप रविंद्र जी, आप आपकी बात को नहीं, आपकी बात, हाँ वो मैं मुझे याद है वो सेबी चीफ का माफी पूछ। ओके, आप प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं उस प्रश्न को उठाऊंगा जिसको लेकर आप लोगों ने दावा किया है, माधवी भुज का आप जिक्र कर रहे हैं। ओके, नवीन शर्मा जी देखिए, सबसे पहले चीज मैं बताना चाहूंगा आदरणीय उपाध्याय जी को कि देश ने 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के भेजे हैं और आज की डेट में पीडीए सरकार विपक्ष में बैठी है, ना कि सत्ता में है, और हमारी सरकार तीसरी बार आई है भारत केंद्र सरकार में। ये जनता का भरोसा है, 140 करोड़ लोगों को मोदी सरकार में भरोसा है, इसलिए हम लोग वहां बैठे हैं। दूसरी चीज, राज्य सरकार की बात करूंगा मैं आपको, 2022 के चुनाव में आपने कहा कि हमारे यहाँ बुलडोजर आए रैलियों में, अरे सर बुलडोजर ट्रैक्टर बस जैसे जो जनता को अच्छा लगा वो आया, और मोदी सरकार योगी सरकार लोगों की पहली सरकार मनपसंद सरकार है, हमने कभी किसी गरीब के घर बुलडोजर नहीं चलाया होगा। आपके यहाँ समाजवादी और आपके कई ऐसे नेता है विपक्ष पार्टी के जिन्होंने गरीबों के जमीन पे कब्जे किए, काय से किए ये भी तो आप देखिए, आप रैलियों में बुलडोजर गिनेंगे? हमारे यहाँ हमारी 27 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, ये भी एक ऐतिहासिक बात है, इसको भी आप मत भूलिए। उपाध्याय जी, अरे तिलक जी अयोध्या में वहाँ की महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी कि अब की बार इनको हराना है, जो उनका घर गिरा दिया गया गरीबों का। आप बताइए, हम आज वाराणसी की बात कर रहा हूँ, वाराणसी में 65 साल पुरानी गांधी जी की मूर्ति गिरा दी गई, भारत माता की एक मूर्ति बनी हुई थी उसको गिरा दी गई, और गिराने का और तरीका है, इस तरह से करो बुलडोजर चला के गिरा दे रहे हैं और जनता भी दुखी हो रही है। राष्ट्रीय प्रतीक का, राष्ट्रीय महापुरुषों का, राष्ट्रीय महापुरुषों का जिस तरह से बुलडोजर द्वारा अपमान किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह बहुत दुखदायी है। जनता इसका इस उपचुनाव में और 2027 के चुनाव में जवाब देगी। जिस तरह गांधी जी के बनाए गए सर सेवा संघ को बुलडोज कर दिया गया बनारस में बुलडोजर के द्वारा, जनता वहां इंतजार कर रही है, तभी तो और यही हमारी जनता हमारी पूरी तरह ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने गरीबों के साथ अन्याय नहीं किया, हम लोगों ने गरीबों की जमीन नहीं कब्जा की, हम लोगों ने लोगों के साथ न्याय किया है, और जनता ने बुलडोजर मॉडल पसंद किया क्योंकि हम लोगों ने किसी गरीब के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलाया। अब आप माफियाओं के जिन्होंने गरीबों की जमीनों को, धनोजी जल्दी से आप, फिर उसके बाद रविंद्र जी आपके पास, और फाइनल कमेंट आपसे लूंगा मैं शर्मा जी। धनोजी, ये बुलडोजर मॉडल, बुलडोजर बाबा, या जिस मॉडल का जिक्र बार बार उपाध्याय जी कर रहे हैं कि ब्रेक लगना चाहिए, और जनता ने उसी पर मोहर लगा दी, जिसे ये अन्याय का प्रतीक बता रहे हैं, जनता कह रही है कि वो न्याय का प्रतीक है। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो ये बात तो 100% सही है, और केंद्र सरकार में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन मैं एक बात अलग कहना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः आदेश नहीं दिया, उन्होंने दिशा ज्ञान की बात किया है, गाइडलाइन की बात की है, लेकिन गाइडलाइन कोर्ट देती है, सरकार जो है, जो पुलिस है वो सरकार के अधीन ही होती है, ये बात कोर्ट भी इस बात को जानती है कि जो भी तत्कालिक कार्रवाई है फरार कैदी के साथ, मैं कैदी जोड़ रहा हूं, फरार कैदी जिसका नाम एफआईआर में है और वो फरार है, क्योंकि एक निर्दोष आदमी फरार नहीं होता, निर्दोष आदमी सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है कि देखिए हुजूर मेरे ऊपर गलत एफआईआर हो गया। रविंद्र जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? जो फरार हो गया, फरार जो हो गया ना, वो अपने आप को साबित कर लिया कि मैं कैदी हूँ,
तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो कैदी है ऐसे कैदी के ऊपर जो फरार हो गया वो दोषी है। अब मान लीजिए हम पर अभी आप FIR कर दीजिए। अब मैं रविंदर जी मुस्कुराया, क्यों मुस्कुराया? मैं तो जाऊंगा उनको तो मालूम है रविंदर जी को, अगर मैं देखा सुर तो मैं थाना जाऊंगा, थानेदार को बोलूंगा हुजूर मेरे सुन लीजिए रविंद्र जी को। दोनों बातें कही है इन्होंने कि जो जो फरार होगा वो अपराधी होगा, तो चिन्मयानंद भी फरार था बहुत लंबे समय। अरे एक आप यहां बात कर रहे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसका, ये जो धनोज जी वो गायत्री प्रजापति भी फरार था, गायत्री प्रजापति भी फरार था किसी को, और मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा था। हाँ ठीक है मुख्यमंत्री के साथ में था, लेकिन जो जो धनोज जी कह रहे हैं वो कानून नहीं है कि फरार व्यक्ति अपराधी होगा, ये बार बार न्यायालय बन रहे हैं, ये बता न्यायालय बन के ये बता रहे हैं जो फरार होगा वो अपराधी होगा नागरिक, ये न्यायालय का काम न करें, फरार व्यक्ति कभी भी अपराधी नहीं हो सकता है। ये डिसीजन न्यायालय लेगा, आप ये डिसीजन न्यायालय लेगा, धनोज जी को न्यायालय बनने की जरूरत नहीं है, धनोज जी को न्यायालय बनने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बुलडोजर की कार्रवाई पे, बुलडोजर चिंता न करें, बुलडोजर भी आर्टिकल संविधान 31 देता है, आप बनिए मत, आप पहले कोर्टों का अपमान कर चुके हैं, अब आप न्यायाधीश बन रहे हैं, आप कोर्टों का अपमान कर चुके हैं, आप न्यायाधीश बन रहे हैं, और आप मुझे लगता है कि इस न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया के मुद्दे पे आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको न्यायालय का अपमान करना है, कानूनी प्रक्रिया को खराब बताना है, तो मुझे लगता है आपको बात नहीं करना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है इस विषय पे, बिल्कुल जानकारी नहीं है आपको। समाजवादी पार्टी सुधर जा, आप चुप रहिए सुधारने का संदेश मत दीजिए, जाके कानून पढ़िए, और ये सीखिए डिबेट में कैसे भाग लिया जाता है, आप ये देखिए डिबेट में कैसे भाग लिया जाता है, कानून का अपमान कर रहे हैं आप। रुक जाइए रविंद्र जी, अपनी बात रखेंगे, धनोज जी कानून का अपमान कर रहे हैं, एक न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, नवीन जी के पास जाना मुझे, फिर आप खुद जज बन जा रहे हैं। मैं बुलडोजर की प्रक्रिया बताता हूँ, बुलडोजर कितनी बेवफा है, कानपुर में एक गरीब पे चढ़ बैठा और गरीब पे घर को गिरा दिया, ब्राह्मण परिवार था और एक आदमी एक उसमें से एक व्यक्ति जल के मर गया, बुलडोजर ने कार्रवाई किया, अयोध्या जी में 300 मंदिर गिरवा दिए बुलडोजर ने, सॉरी बनारस में बुलडोजर ने कार्रवाई किया, अयोध्या जी में 100 से ज्यादा मंदिर गिरवा दिए और 200 से ज्यादा दुकानें गिरवा दिए, इसमें कोई धर्म विशेष नहीं था। तो जब बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर बेवफा है, अगर बुलडोजर कानून चलेगा, जब भी इनकी सरकार पलटेगी इनके सारे अपराध सामने आएंगे, इसके शिकंजे में बुलडोजर किए भी आएंगे, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है अभी, फिर धनोज जी अभी वो फाइनल आदेश तो नहीं आया ना रविंद्र जी, फाइनल आदेश नहीं है, लेकिन हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन होता है उसको कानून माना जाता है, सुप्रीम अच्छा, कोर्ट ने कहा बुलडोजर की कार्रवाई उचित नहीं है, ये डायरेक्शन हो गया। एक मिनट, आप ये कह रहे हो न्याय संगत नहीं है, जनता कह रही है ये न्याय संगत है ना, जनता ने इसी बुलडोजर पर मोहर लगाई। हाँ बोल दे रहे हैं, इस बात में बोल दे रहे हैं कि जनता कह रही थी ऐसा, करके हिटलर ने भी कहा कि जनता कह रही है यहूदियों को मारो, और ये जो अगर ऐसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रही थी, तो उत्तर प्रदेश के जनता का अपमान है, उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान। एक मिनट, आपका पॉइंट आ गया, शर्मा जी के पास आएंगे, अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा। देखिए उपाध्याय जी, आपने जो सवाल उठाया उस सवाल को मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना रहा हूं, और सुनते रहिएगा सर प्लीज, आपने क्योंकि आरोप लगाया वो आरोप, ये माधवी बुच को लेकर दो शब्द बोल दीजिए नवीन जी, सेबी चीफ को लेकर जो कांग्रेस ने खुलासा किया है। चावला जी आपकी आवाज कटी, फिर से थोड़ा दोहराइएगा। नवीन जी मेरे कार्यक्रम में अक्सर ये समस्या आती है कि आवाज चली जाती है, मैं इसलिए परफेक्ट हां नवीन जी, माधवी बुच सेबी की चीफ तनख्वाह के साथ साथ प्राइवेट बैंकों से भी सैलरी ले रही थी, यानी तीन सैलरी, आरोप लगाया कांग्रेस ने। चलिए मैं उपाध्याय जी का इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए ये केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय इसकी जानकारी ले रहा है, और इसमें जो भी चीजें केंद्रीय मंत्रालय से इसको सुनिश्चित किया जाएगा, जहां भी उसमें जो चीजें हैं। मामला हैरान करने वाला नहीं है, सरकार से भी सैलरी और प्राइवेट बैंकों से भी सैलरी, अगर आरोप में सच्चाई है तो। देखिए आरोप को हम आरोप तो लगा दें, मगर बाद में सच्चाई ना निकली, ये भी हो सकता है। नहीं, सेबी की चीफ तीन जगहों से अगर सैलरी मिल रही है तो ये अपने आप में बड़ा मामला हो जाता है।
नहीं, ये तो मुझे लगता जांच होगी इस मामले की, लगता है आपको? देखिए बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है जो हमारा वित्त मंत्रालय है इस बारे में बिल्कुल सघन जांच करेगा, और हमारी जो वित्त मंत्री हैं माननीय सीतारमन जी उनके संज्ञान में ये बात है। मानवीय बोध सेबी की जो मुखिया है उनको इस्तीफा देना चाहिए, अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए? अब देखिए ये जांच के बाद ही इसका विषय बन सकता है। मैं आपको लगता है कि उन पर इल्जाम जो लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है? देखिए इल्जाम लगाने के लिए तो किसी पे भी कुछ लगा सकते हैं, मगर जब तक पुख्ता सबूत ना आए, अच्छा चीजें ना हो, तब तक तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो विपक्ष ने तो सबूतों के साथ अपनी बात को रखा है ना? आप देखिए वो सबूत अगर इनको लगता है तो ये कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से इनको कोर्ट जा सकते हैं, तो यानी आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? देखिए एक्शन लेने के लिए हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय है, जब तक वो अपने स्तर से जांच नहीं करेंगे। सर अगर वो सरकारी नौकरी पर रहते हुए जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी नौकरी के साथ साथ दो जगह से और वेतन ले रही थी, वो भारत सरकार के बजट से तीन गुना ज्यादा जो है शेयर बाजार में निवेश होता है, सर होता है ना, इसलिए शेयर बाजार की लगाम सेबी चीफ माधवी बुच के हाथों हो तो ये जायज है? देखिए ये नाजायज है, मैं इसको जायज नहीं कहूंगा। कोई भी अगर इसके संवैधानिक पद पे बैठता है, अगर इस प्रकार का कोई एलिगेशन है तो वो हमारी केंद्र सरकार जांच के दायरे में लाएगी और जांचेगी। अगर वो सर जिसकी सत्यता सत्यता पर या सत्य निष्ठा पर सवाल हो उसे बाजार की कमान कैसे सौंप सकते हैं आप? अब देखिए ये जब उनको ये कमान सौंपी गई होगी तब तो उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप या इल्जाम नहीं था, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको कैसे पता? देखिए सबसे पहली चीज ना आरोप और इल्जाम जो ये लगा रहे हैं वो अभी कोई इल्जाम है, अभी कल हो सकता है इसमें किसी भी आरोप में ना शामिल हो, तब हाँ। क्या करेंगे? तो यानी कोई जांच की जरूरत नहीं है ना, तीन तीन जगह से सैलरी वाला मामला? देखिए जांच मैंने क्या बोला, वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार जब बना है उसके अधीन वो है तो जरूर जांच में जांच की जाएगी, अगर इनके एलिगेशन सही है तो उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा तो यानी कोई पद छोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें? देखिए ये तो ऊपर का निर्णय है, ऊपर के निर्णय में सरकार बैठी है। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ नैतिकता की बात करते हैं आप, तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए ये इसके लिए मैं जांच के बिना और ये कोई भी चीजें हमारी केंद्र सरकार के अधीन की जो आती है उसके बिहार पे मैं कोई भी नहीं बात कर सकता। अच्छा ठीक उपाध्याय जी, यही थे ना सवाल आपके या कुछ एक्स्ट्रा सवाल? ऐसा है तिलक जी, हमारे वो ऊपर के नेतृत्व में मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने बैंक स्टेटमेंट के द्वारा प्रूफ के द्वारा उसको जो है जारी किया है, तो वो तो झूठ हो ही नहीं सकता है। कितना पैसा या कितना करोड़ प्रोडेंशियल आईसीआईसी नहीं, नवीन जी कह रहे कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है, ये आरोप नहीं है तिलक जी, इसको प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इनको नियुक्त किए हैं और इन्होंने आईसीआईसी आदि बैंक के विरुद्ध जांच भी किया, ये देखिए उनसे तनख्वाह भी ले रही है, उन पर निर्णय भी कर रही है, ये अंधेरगर्दी देखिए, इतना बड़ी अंधेरगर्दी है मचाए हुए हैं। और कहते हैं बुलडोजर की बात, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा पता नहीं। ये नवीन जी ये माधवी मॉडल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आप जैसे बता रहे थे, कह रहे हैं ये भी एक अजीब मॉडल है। देखिए इनके बात को घुमाने के लिए विपक्ष हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अजीब मॉडल की बात कर देता है ताकि बात घूम जाए। दूसरी चीज जहां पर बात आती है बुलडोजर, मैंने इनसे पहले भी कहा बुलडोजर जो चला है माफियाओं की अवैध संपत्तियों पे चला, म्युनिसिपल नवीन जी आप सवाल घुमा रहे चला भाई, बुलडोजर चलाने की बात कर रही है नहीं, वो माधवी माधवी बुच की बात कर रहे थे। मैं माधवी बुच जी को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब तक किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार उसकी जांच आख्या नहीं बनाएगी तब तक किसी पे आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाने का भी आरोप आप भी लगाते थे ना सर। ओके मैं तभी कह रहा था, आप कह रहे थे कि भाई नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इन्हें देना चाहिए, लेकिन जब आप खुद की बात आई तो आप किसी से इस्तीफा नहीं देते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका भी, उपाध्याय जी आपका भी, धनोज जी आपका भी और रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलडोजर को लेकर हो रही सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश क्या कोई बड़ा सियासी पैगाम लाने वाला है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।